भाइयों बहनों, लोकतंत्र में हर दल को, हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र की आड़ में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश को विखंडन की ओर धकेलने की किसी भी व्यक्ति और किसी भी संगठन को इजाजत नहीं दी जा सकती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि जिन लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर आगजनी की, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, इसकी भरपाई भी उन्हीं लोगों से हम लोग करेंगे। और इसी कार्रवाई को आज उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। आज वही लोग आज आ रहे हैं कि साफ गलती हो गई, और जब उपद्रवियों को लगा है कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि पहले तो उपद्रवियों के पैर छू करके सरकारें उनकी मन्नत करती थी कि भैया मान जाओ, तुम्हें हम ये देंगे। और हमने कहा कि देखिए, हम सुविधा गरीब को देंगे, किसान को देंगे, नौजवान को देंगे, महिलाओं को देंगे। समाज में बिना भेदभाव शासन की योजनाएं दी गई हैं और दी जा रही हैं, लेकिन उपद्रवियों से सरकारी संपत्ति और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कीमत भी वसूलने का कार्य सरकार करेगी। और अगर देश के विरुद्ध नारेबाजी किसी ने की, तो फिर देशद्रोही धाराओं में बंद करने की कार्रवाई भी उनके खिलाफ करने की तैयारी सरकार ने तय किया है। और आज उसी से लोग घबरा उठे हैं। जो लोग कल तक सीमी के आह्वान पर, पीएफआई के आह्वान पर जगह जगह आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, आज उनको लगने लग गया कि अब अवैध रूप से बनाई गई प्रॉपर्टी जब्त हो गई, तो वे लोग तो दुम दबा करके बैठ गए। अब अपनी महिलाओं को और बच्चों को आगे करके जगह जगह माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आप चिंता की कोई बात नहीं, सारे मामलों को सरकार और प्रशासन अपने तरीके से समाधान भी निकालेगा। आंदोलन और अपनी बात को रखने का अधिकार प्रत्येक को है, लेकिन इसके नाम पर उपद्रव और देशद्रोही कृत्य करने की छूट किसी को नहीं होगी। या कहते हुए मैं आज नागरिकता कानून के समर्थन में आयोजित इस रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।